Make sure you subscribe the channel and press this bell icon so that you never miss any updates. Hi guys, welcome to this lesson of chords. And इस lesson में हम लोग सीखेंगे tuning के बारे में. Tuning guys एक ऐसी चीज है, अगर आपका guitar tuned नहीं है, अगर guitar tuned नहीं है, तो दुनिया का best guitarist के हाथ में भी अगर आप guitar दे दो ना, तो वो भी नहीं बजा सकता guitar. Guitar इतना बेकार sound करेगा कि यार ये ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो कभी, मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये बज ही नहीं सकती चीज, ऐसा लगता है अगर गिटार ट्यून नहीं होता. सो हम सबसे पहले सीखेंगे कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं. आप लोग देख रहे हो इसमें हमारी ये सिक्स स्ट्रिंग्स हैं, इनका नाम है ई ए डी जी बी ई. ये नाम हमें याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस. एंड उसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि ये वाली नॉब्स, ये जो नॉब्स हैं, ये हमारी नॉब्स हैं. तो अगर हम इसे लूज़ करते हैं तो ये इसकी साउंड चेंज होती है, अगर हम इसे टाइट करते हैं तो इसकी साउंड चेंज होती है, ठीक है. तो ये एक्चुअली ट्यूनिंग है कि ना कितना टाइट करना है, कितना कम टाइट करना है कि इसकी परफेक्ट साउंड आप ला सको. तो ये कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ. आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड करनी है, जस्ट गो टू प्ले स्टोर. वैसे तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बट यूज़ दिस वन फॉर नाउ. जी यू आई टी ए आर स्पेस टी यू एन ए. सो दिस इज़ अ वेरी ईजी ऐप दैट एवरी वन कैन यूज़. सो इसको डाउनलोड कर लो. एंड उसके बाद ये आपसे पूछेगा माइक्रोफोन अलाउ करने के लिए, तो आप माइक्रोफोन अलाउ करो. और उसके बाद ये पूछेगा किस चीज़ को ट्यून करना है, तो आप लोग गिटार को सेलेक्ट करना. नाउ आप लोग देख सकते हो इसमें जो है लिखा हुआ है कि ई ए डी एंड देन उसके राइट में जी बी ई. इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, ओके गाइस. इसको पढ़ने का यही तरीका है, ई ए डी जी बी ई. इट्स वेरी सिंपल, ओके. नाउ गाइस सबसे पहले हम लेफ्ट का जो लोअर वाला ई है उसको ट्यून करते हैं, जो कि है हमारी सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग, ओके गाइस. तो ये हमारी ई स्ट्रिंग है, ये वाली सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है ना, फिट हो गया. तो कभी कभी क्या होगा कि अगर ये लूज होगा, जैसे कि मैं इसको लूज कर देता हूँ, तो ये दिखाएगा कि आपका माइनस 80. और जब भी ये माइनस की फिगर दिखाएगा, इसका मतलब है आपको टाइट, इसको आपको और टाइट करना है इसे. तो टाइट करो, अगर आप बजा रहे हो और माइनस की फिगर आ रही है, तो आप लोग इसे टाइट करो और इसको प्लस में लेके आओ कि ये जो है ज़ीरो हो जाए. ये ज़ीरो हो गया राइट, तो राइट का साइन आ जाएगा जैसे ही सही होगा. ये माइनस टू आ रहा था तो थोड़ा सा और टाइट, प्लस थ्री आ गया. सो या, सो दिस इज़ करेक्ट, ओके गाइज. नाउ गाइज लेट्स ट्यून अनदर स्ट्रिंग विच इज़ ए. इस स्ट्रिंग का नाम होता है ए. तो आपको क्या करना है, ए पे क्लिक करना है. आपको ए पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे प्ले करना है, तो ये बताएगा कि ये लो है, ये क्या है, मतलब कितना लो है. तो ये बोल रहा है टू लो, तो हमें टाइट करना है इसे. और ये हमारा ट्यून हो गया, ठीक है. तो ई भी ट्यून हो गई, ए भी ट्यून हो गई. अब हमें तीसरी स्ट्रिंग ट्यून करनी है, ऊपर से जो तीसरी है, इसका नाम है डी. तो आप डी देख पा रहे हैं, तो डी को क्लिक करिए. तो हमने डी को क्लिक करा. नाउ ये डी को बताएगा कि डी कितनी लो है या कितनी करेक्ट है. तो हमने इसको देखा, ये बोल रहा है प्लस 10, जिसका मतलब है ये स्ट्रिंग टाइट है, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है. तो हमें इसको लो करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ हमारी आती है फोर्थ स्ट्रिंग. ये ऊपर से हमारी जो, अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी फोर्थ 1 2 3 4, इसका नाम है जी, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हो, ई ए डी एंड देन जी बी ई. इसको पढ़ा इसी तरीके से जाता है. तो हमें जी को टैप करना पड़ेगा. तो हमने जी को टैप करा और फिर इसको जी को प्ले करा एंड देखा कि -12 आ रहा है. तो -12 का मतलब है हमें और टाइट करना पड़ेगा. ये हमारा -4, ये हमारी ट्यून हो गई जी स्ट्रिंग. नाउ हमें ट्यून करनी है अपनी जो सेकंड लास्ट स्ट्रिंग है, ऊपर से अगर देखा जाए तो इस स्ट्रिंग का नाम क्या होगा गाइज. आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग खुद भी बता सकते हो, जैसे कि ई था, फिर ए था, फिर डी था, फिर जी था, फिर बी है, ओके गाइज. तो इस स्ट्रिंग का नाम हुआ हमारी, जो हमारी सेकेंड वाली स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का नाम हुआ हमारी बी स्ट्रिंग, ठीक है. तो हमें बी को क्लिक करना है एक बार, और फिर उसके बाद जो है हमें इसको प्ले करना है. तो हमें इसे थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा.
5 और ये हमारी ट्यून हो गई, ठीक है। सो नाउ हमारी आती है ई स्ट्रिंग, तो ये हमारी लोअर ई थी और ये हमारी हाई ई है। सो गाइज हमें लोअर राइट में जो ई है इसको प्रेस करना है और उसके बाद हमें इसको प्ले करना है ऐसे और देखना है कि कितना लो है। तो ये बोल रहा है टू लो, क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस का साइन आ रहा है, माइनस 51, माइनस 135, माइनस 140, ये सब, तो माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, तो हमें टाइट करना पड़ेगा। प्लस 3 हो गया तो हमें थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। ओके सो गाइज अब हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारी सारी स्ट्रिंग जो है वो ट्यून्ड है या नहीं है। आप इसे प्ले करो, देखो ये क्या कर रहा है कि ये जो है हमारा ई पे सेलेक्ट हो रखा है जो कि हाई ई है। इसका मतलब है ये गलत हो सकता है, मतलब क्योंकि आपको पहले ई को टैप करना पड़ेगा फिर आपको प्ले करके देखना है कि ये लो तो नहीं हो रखी। तो ये बोल रहा है कि हल्की सी लो है तो हम इसे टाइट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमें अगली स्ट्रिंग देखना है, इसका नाम क्या था गाइस, ए। तो अगर हम ए को टैप नहीं करेंगे तो ये सही नहीं बताएगा, तो हमें ए को टैप करा और फिर देन हमने फिर से प्ले करा। ओके देन उसके बाद हमने डी को प्ले करा, तो हमें डी को टैप भी करना पड़ेगा। डी को टैप करने के बाद डी को प्ले करा तो ये माइनस 2 बता रहे, तो हल्का सा टाइट और कर दो, राइट। नाउ अगर हम फिर उसके बाद हमने जी को टैप करा और फिर एक और बार चेक करा कि कितना टाइट या लो हो रहा है, तो ये बोल रहा है जी सही है आपका। और उसके बाद हमने जो सेकंड ये वाली स्ट्रिंग है इसको ऐसे प्ले करा और देखा कि गलत बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने बी को टैप नहीं करा, तो हमें बी को टैप करना पड़ेगा। तो हमने बी को टैप करके हमने प्ले करा तो अब सही है। एंड उसके बाद हमने लास्ट स्ट्रिंग ई को टैप करा और फिर ई को प्ले करा, अभी बताएगा कि आपका गिटार ट्यून्ड है। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप लोगों ने ये स्टेप करके अपना गिटार ट्यून कर लिया, क्योंकि ट्यून करे बिना गिटार नहीं बजेगा, एंड गिटार ट्यून कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ आपका कॉर्ड जो है वो बहुत अच्छे से बजेगा अगर आप लोगों ने इसको ढंग से लगा लिया। तो इसको ढंग से लगाना है, उसकी वीडियो जो है वो ये आपके स्क्रीन पर है, हाउ टू इंस्टॉल कॉर्ड्स। सो इसे क्लिक करो और अपने जो कॉर्ड्स का जो गैजेट है उसे अच्छे से लगाओ ताकि हम गाने बजाने के लिए रेडी हो जाएं।